गाइस, गुड मॉर्निंग। गुप्ता बनिया ब्लॉग में आपका स्वागत है। नया दिन, नई शुरुआत। और आज हम जा रहे हैं सिद्ध बाबा पूर्णागिरी दर्शन के बाद सिद्ध बाबा दर्शन करने जरूरी है, इसलिए वहां चलते हैं और आपको दिखाते हैं। तो हम सब दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। और हम पहुँच रहे हैं सिद्ध बाबा मंदिर। पीछे से कृष्णा की बाइक आगे निकल चुकी है हमसे, तो हम भी आ रहे हैं। कृष्णा पहाड़ी पहाड़ चारों तरफ, पहाड़ों के बीचों बीच चल रहे हैं। नेपाल में कर दिए एंट्री, सिद्ध बाबा मंदिर जा रहे हैं। और ये दिखाती हूँ मैं आपको, यहाँ छोटी छोटी दुकानें हैं। ये देखिए दुकानें, और ये मंदिर का रास्ता है। अंदर वॉशिंग एरिया में, और ये है सिद्ध बाबा मंदिर। चलते हैं अंदर। ये है विष्णु जी का मंदिर, सिद्ध बाबा मंदिर। हम यहाँ आ गए, और एक मंदिर वो है, तो वहाँ के भी दर्शन करते हैं हम लोग। चलते हैं बाबा मंदिर। हम लोग दर्शन कर चुके हैं मंदिर के, सिद्ध बाबा मंदिर के, और यहाँ का व्यू दिखाती हूँ मैं आपको। यहाँ बहुत सारी बहुत भीड़ है। ये देखिए कितनी भीड़ है, और कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि हम नेपाल में हैं। नेपाल का तो बस नाम सुनते ही वाह, कितना अच्छा लगता है। ये देखिए ये मंदिर, वहाँ मंदिर, ये सब मंदिर हैं, और सबके दर्शन कर चुके हम। ये आम के पेड़, और यहाँ आम दिखाती हूँ मैं। देखो आम लटक रहे हैं, कितने सारे आम हैं यहाँ पे। हम सिद्ध बाबा के दर्शन करके आ चुके हैं, और अब जाते हैं एक जगह, आपको दिखाते हैं, मिलते हैं। अरे टिक्की देखो कितनी बढ़िया बनी हुई है, पुराने दुकान की पुरानी टिक्की। गोलगप्पे का पानी, गोलगप्पे। अब यहाँ सारे लोग खाएंगे टिक्की, और यहाँ सब सब लोग खाएंगे टिक्की। ये कनिका है, ये भी टिक्की खाएंगे। तो हम आए हैं शारदा नदी में नहाने के लिए, और हम नहा चुके हैं। ये देखिए, और आपको दिखाती हूँ शारदा नदी जो बह रही है पहाड़ों के बीचों बीच में।
मौसम पहले बना हुआ बढ़िया। नहीं नहीं दो दिन पहले यहाँ सारे लोग नहा चुके हैं और हम लोग भी नहा चुके हैं और बस चलते हैं। देखो शारदा नदी बह रही और वो रहे पहाड़, पहाड़ों के बीचों बीच में बह रही पूनगरी शारदा नदी। ये मोनू ये कन्नी का आंटी सब लोग अंकल वगैरह सारे हैं, सब लोग नहा चुके हैं। अब चलते हैं अपने होटल की तरफ फिर निकलते हैं जागेश्वर धाम। गाइस हम चल रहे हैं जागेश्वर धाम के लिए और हमने होटल कर दिया है खाली। चलते हैं अपना सामान उठाते हैं और चलते हैं जागेश्वर धाम के लिए। तो चलो चलते हैं, पहाड़ पे चढ़ते चढ़ते चंपावत पहाड़ पे आएंगे। देखिए कितना अच्छा व्यू है और हम वहाँ से आए जो वाइट वाइट लाइन दिखाई दे रही है। अभी हम नीचे से वहाँ ऊपर की तरफ आए हैं, ये जो वाइट वाइट लाइन है वहाँ से आए हम लोग ऊपर। देखिए कितने ऊंचे पहाड़ हैं। तो देखिए कितने अच्छे अच्छे पहाड़ हैं यहाँ पे और हम आए हैं पॉइंट ऑफ व्यू पे। ये देखिए खाई दिखाती हूँ मैं आपको। अब वो है चाय की दुकान, चारों तरफ पहाड़ है, चारों तरफ पहाड़ है, चारों तरफ पहाड़ी पहाड़। इतना अच्छा व्यू, खड़ी है मोनू की गाड़ी, हमारी गाड़ी। वो दिखाती हूँ यहाँ के पहाड़ कितने सुंदर हैं। गाइस हम पहुंचने वाले हैं जागेश्वर धाम और यहाँ पेड़ देखिए कितने बड़े बड़े हैं। बीच रास्ते में रुके हुए हैं और यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का व्यू कितना प्यारा है। हम लोग खड़े हुए हैं, देखो हमारी गाड़ियाँ खड़ी सारे, हम सारे खड़े हैं और हमारी गाड़ियाँ वो खड़ी हैं। देखो एक मोनू की हमारी, अब वहाँ आंटी अंकल खड़े हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा मौसम है यहाँ पे, ठंडा ठंडा तो ऐसा लग रहा है यहाँ तो स्वेटर पहन ली जाए या जैकेट, बहुत हवा चल रही है। और आपको व्यू दिखा रही कितना प्यारा व्यू। तो हम आ गए हैं जागेश्वर धाम में और आपको दिखाती है मंदिर कि देखो दूर से ये मंदिर ही मंदिर है। जागेश्वर धाम और ये देखिए मंदिर पहाड़ों के बीचों बीच में बना हुआ है। मंदिर की यह मान्यता है जो बद्रीनाथ केदारनाथ नहीं जा सकता वो इस मंदिर के दर्शन कर ले तो उनके दर्शन पूरे हो जाते हैं। तो जागेश्वर धाम के दर्शन कर चुके हैं हम लोग। देखिए मंदिर अंदर फोटो अलाउड नहीं थी इसलिए हमने फोटो वीडियो बनाए नहीं। और जो ज्योतिर्लिंग की पूजन शुरू हुआ था वो यहीं से हुआ था सबसे पहला। यहाँ आपको कुंड दिखाती हूँ जहाँ लवकुश ने यह किया था, आके लवकुश ने यह किया था और उसी तरह से हरे हरे पत्ते उसी टाइम से ये बह रहे हैं। देखो तैर रहे हैं इसमें, ये कुंड है, जटा गंगा बह रही है। अभी इस टाइम बंद हो चुका है, देखते हैं सुबह अगर टाइम मिलता तो आते हैं। देखिए बारिश शुरू हो गई बहुत तेज, एक मिनट में बारिश शुरू हो जाती है यहाँ तो, एक मिनट में मौसम खुल जाता है। देखिए कितने कितनी मोटी मोटी बूंदे पड़ने लगी और ये बारिश होने लगी। अच्छा व्यू है यहाँ और
लिया ये एक होटल, ये वाला जागेश्वर धाम में यहाँ रुकेंगे अब हम। और यहाँ हमने खाया था खाना और वहाँ पे मंदिर है, हम मंदिर के तो दर्शन कर चुके हैं। और यहाँ इतनी ठंड है, बहुत ठंड लग रही है यहाँ पे, यहाँ बहुत ठंड है, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। बाकी दिल्ली में तो इतनी गर्मी है बहुत ज़्यादा, बाकी दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, यहाँ इतना अच्छा मौसम है कि अभी हमें स्वेटर पहनने पड़ेंगे। तो बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, हम खाना खा चुके हैं, अब अपने होटल में जाते हैं और बस आराम करते हैं। और इस वीडियो को कहीं यही करते हैं एंड। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं एक नई वीडियो, तब तक के लिए बाय। तो हम लोगों ने शॉल ओढ़ लिए, यहाँ तो बहुत ठंड है भाई। ये देखो पहली जागेश्वर धाम में बहुत ज़्यादा ठंड है, तो हम लोगों ने स्वेटर पहन लिए, शॉल ओढ़ ली। कौन है? और ये रामलीला जागेश्वर धाम में, देखिए अभी आपको दिखाती हूँ।